शरीर के लिए ठंडा दूध पीना या गर्म दूध पीना दोनों के लिए लाभदायक हो सकता है। आप कौन से दूध पीते हो ये आप पे डिपेंड करता है कि गर्म दूध पीते हैं या ठंडा दूध पीते हैं। तो कौन सी अच्छा होगा, आप सोचते होंगे कि हम मैं कौन सा दूध पीऊँ, जो कौन सा मिल्क हमें प्रोवाइड करनी चाहिए जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट हो सकता है, गर्म दूध पीने से या ठंडा दूध पीने से। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम विकास कुमार, आप देख रहे हैं विकास हेल्थ चैनल को। तो प्लीज़, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ हेल्थ से बेनिफिट वीडियो डालूं तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गर्म दूध पीने से फ़ायदा है या आपको ठंडा दूध पीने से फ़ायदा है, कौन से बेनिफिट देता है आपको और कौन से नुकसान पहुँचाता है, ये भी देखेंगे इसी वीडियो में। हमारे शरीर के लिए दूध पीना बहुत ही आवश्यक है, चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हैं या जवान हैं, किसी भी उम्र में दूध पीना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस दूध में कैल्शियम, विटामिन डी और पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में इसका सोर्सेस है, यानी कि कैल्शियम, विटामिन, पोटेशियम का एक सोर्स है, एक स्थान है कि यहाँ से निकलने वाले एक मतलब सोर्स समझिए। दूध में एक तरह का केमिकल, इस तरह का पोटेशियम पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह का जो दूध आप यूज़ करते हैं तो हर मनुष्य को, चाहे वो किसी भी उम्र को, हर मतलब मनुष्य को दूध पीना आवश्यक है, हर कोई को पीना चाहिए, चाहे गर्म पीना चाहिए या ठंडा पीना चाहिए। लेकिन मैं सजेस्ट करने वाला हूँ कि ठंडा दूध किस स्थिति में नहीं पीना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको सर्दी हुआ हो या आपके पेट में किस तरह का जलन हो रहा है, तो उस टाइम आपको नहीं पीना चाहिए। आपको सर्दी हो रहा है या फ्लू का कारण है तो आप उस स्थिति में दूध को नहीं पीजिए, हो सकता है किस तरह का साइड इफ़ेक्ट आपको पहुंचा दे, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है और ऐसा बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियों जो देते हैं वैद्यराज, उनका कहना है कि इस स्थिति में, कोल्ड की स्थिति में और फ्लू जैसी बीमारियां अगर आपको है तो उस स्थिति में आपको ठंडे दूध नहीं पीना चाहिए। तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, गर्म दूध पीने से आपको कौन सी स्थिति में नहीं पीना चाहिए, कैसे नहीं पीना चाहिए, तो आज मैं गर्म दूध के बारे में बात करने वाला हूँ और ठंडे दूध के बारे में। आपको नींद न आने की बीमारी है, आप गर्म दूध पी सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड होता है जो सेप्टोटोनिन नाम और मेलाटोनिन नाम का केमिकल पैदा होता है, जिससे आपकी बहुत अच्छी नींद आती है। आपको बताया था मैंने कि जब आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो मेलाटोनिन नामक हमारे आँख से एक द्रव्य निकलता है, उस स्थिति में जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपका जो मेलाटोनिन नामक पदार्थ है, केमिकल है, वो सूख जाती है, जिससे हमें नींद नहीं आती और हमें नींद ना आने की शिकार हो जाते हैं और हमें नींद नहीं आती है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं जो हमें बहुत घातक बीमारियाँ पैदा कर सकती हैं, जो हमें आगे चल कर हो सकता है धुंधला दिखाई दे और हमें दिखाई भी ना दे। तो उस स्थिति में मेलाटोनिन नामक द्रव्य पैदा होती है इसमें गर्म दूध पीने से। तो आप गर्म दूध पिए, अगर हो सकता है आपको नींद ना आने की बीमारी है, आपको नींद नहीं आती है, तो आप गर्म दूध पी करके आपको अच्छी नींद आ सकती है। दोनों का डिफरेंट कर दिया मैंने, सिर्फ आपको ठंडा दूध, उस टाइम मैंने कोल्ड यानी कि सर्दी आपको हो रहे हैं और फ्लू जैसी बीमारी हो रहे हैं तो उस स्थिति में आपको ठंडे नहीं पीना चाहिए, वैसे आप उस टाइम गर्म दूध पी सकते हैं और गर्म दूध हमेशा पी सकते हैं, कभी भी, किसी टाइम, किसी वक्त भी। तो ठंडे दूध सिर्फ दो समय आपको याद रखनी है, एक कोल्ड के समय और यानी कि सर्दी के समय, और दूसरी बात जब आपको फ्लू जैसी बीमारियां हों उस स्थिति में आपको ठंडे दूध नहीं पीना चाहिए, बाकी हमेशा आप पीजिए, क्योंकि पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन डी का एक अच्छी स्रोत है, आपको बहुत सारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, कैल्शियम क्योंकि भरपूर मात्रा में आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, आप जो बॉर्न बिट्टा ये सब खाते हो उसके छोड़कर आप अगर ये दूध ही सिर्फ पियेंगे तो उससे कई गुना अधिक आपको फ़ायदा मिल सकते हैं। तो बॉर्नविटा के बारे में बाद में बात कर लेंगे, आज की वीडियो की यहीं पे समाप्ति होती है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।